नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा। निफ्टी व्यू 7 अप्रैल 2021 के लिए टाइम हुआ है 3:42, कुछ 12 मिनट हुए हैं निफ्टी बंद हो गया। वेल, सिंस चार्ट खुला था तो डिसाइड कर लिया चलो कोई बात नहीं अभी कर लेते हैं। मार्केट गैप अप खुला, रेजिस्टेंस के आसपास ही खुला, थोड़ा ऊपर गया। हमारा लेवल था 14760 में, थोड़ा 14740 में थोड़ा रेजिस्टेंस था, वहीं पर जाके टिका और वहीं पर क्लोज हुआ है, करीब करीब वहीं पर क्लोज हुआ। एनीवे, अब जो ये सर्कल बना मैंने मार्क किया हुआ है, ये मुझे लगता है इनडिसाइसिव बार, इनडिसिशन बार। ये जो मूव है यहाँ लो से आज के हाई तक, ये रिएक्टिव मूव नजर आता है। अब इसमें एक बात क्लियर कट हो गई, ये जो लेवल है 14600, ये काफ़ी हद तक एक पिवट पॉइंट बन गया। अगर ये ब्रीच हो जाता है तो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है और लोअर लेवल्स निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, जो कि करीब 14500 की तरफ ले आ सकता है। अगर अप मूव मिलना है तो इसे 14750 पार करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा अप मूव मिलेगा करीब 15000 तक का, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा बैंक निफ्टी क्या हाल है। बैंक निफ्टी का हाल वीक है, यहाँ पर मैंने कहा था कि वीकनेस है। आज गैप अप खुला लेकिन वहाँ पर ट्रेड किया लोअर, यहाँ पर भी वीकनेस है। बैंक निफ्टी में अगर स्ट्रेंथ देखना है तो 32900 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा मुनाफा मिल सकता है 33200 तक, क्योंकि ये जो मूव मिला है डाउन मूव मिला है, ये गैप अप खुलने के बाद फिर गिरावट आई है। हाँ, बैंक निफ्टी का जो आज का लो है अगर वो ब्रिज हो जाता है तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि एक गिरावट आ सकती है, तो यहाँ पर तो मुझे वीक नज़र आता है। अगर शॉर्ट्स को ट्रैप करना है तो 32900 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, फिर जाके अच्छी तेजी आ सकती है, वर वीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी देखा जाए बायस डाउन है और कुछ नहीं, सिंपल। पॉइंट्स अगर क्लियर हो तो ट्रेड करने में मजा भी आता है, क्योंकि भाव भगवान है।